अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम करती हूँ असलाम गार्डन में। तो यहाँ पे जो है नज़ारा आपको दिखा रही हूँ खूबसूरत, हमारे जो गार्डन में फ्लावर खिले हुए हैं वो दिखा रही हूँ। आज का हमारा टॉपिक जो होगा वो है कैक्टस, ये वाला कैक्टस जो हमारे पास तकरीबन 2-3 साल से लगा हुआ है। तो इसके ऊपर जो है अभी माशाल्लाह बेबीज आना शुरू हो गए हैं और बहुत खुशी हो रही है क्योंकि इसके बेबीज़ का मुझे बहुत इंतज़ार था, क्योंकि मैं चाहती थी कि इसके ऊपर काफ़ी सारे बेबीज़ आएँ और मैं इनको डिवाइड करूँ और एक बहुत सारे कैक्टस जो है वो मैं तैयार कर लूँ एक ही कैक्टस से। इसके मेरे पास 3 वेराइटियाँ हैं इसकी और माशाल्लाह अब इसके देखें कितने छोटे छोटे बेबीज़ जो हैं वो निकल रहे हैं। और हमारे पास जो है वो कैक्टस की वेराइटीज़ जो है इसकी ढेर सारी तैयार हो जाएंगी। ये मेरे पास 3 हैं, एक ये वाला है और एक ये रिपोर्ट करने वाला है, क्योंकि ये अभी जो है दूसरे कैक्टस भी इसके साथ लगे हुए हैं, वर्थिया भी लगा हुआ है। और इसको मैं जो है वो निकाल के यहाँ से किसी बड़े गमले में शिफ्ट करूँगी। और सुबह सुबह का टाइम मैं वीडियो बना रही हूँ, बहुत ही माशाल्लाह हमारे पौधे जो हैं वो खुश हैं, क्योंकि अभी अभी मैंने इनको थोड़ी देर पहले नहलाया है, सबको वाटरिंग दी है और माशाल्लाह ये हैप्पी हैं। ये देखें, ये हमारी टैंगल हर्ट है, ये भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रही है। और यहाँ पे जो है हमारा जेट प्लांट है, वेरिकेटेड वाला है, ये भी अच्छी ग्रोथ कर रहा है। यहाँ पे कैक्टस है, सेक्लेंट है, और ये हो गया चाइनीज डंकी स्कैप्स। यहाँ पे देखिए अभी भी इसके अंदर थोड़ी वाटरिंग, देख नज़ारा आपको नज़र आ रही होगी क्योंकि पानी गमले के अंदर अभी भी मौजूद है। तो काफ़ी माशाल्लाह हमारे प्लांट जो हैं वो इस मौसम में अभी खुश हैं। अच्छा, इसके ऊपर भी बेबीज़ निकल रहा है ये वाला। जब ये बेबीज़ थोड़े बड़े हो जाएंगे ना, यानी कि जो ये वाला कैक्टिस है ये दूसरी वेराइटी है, तो इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे ना ऐसे, तो ये निकल आएगा और इसको किसी और गमले में रख देंगे मिट्टी के ऊपर, तो इंशाल्लाह ये देखते ही देखते हमारे ढेरों सारे प्लांट जो हैं वो तैयार हो जाएंगे। ये वेराइटीज़ और है और ये और है, इसके जो है वो आपको बता रही हूँ। ये खुशी मैंने आप दोस्तों से शेयर करनी थी क्योंकि इसके बेबीज़ का मुझे बहुत ही बेताबी से इंतज़ार था और माशाल्लाह अब इसके बेबीज़ निकल रहे हैं। काफ़ी खूबसूरत दिखता है ये कैक्टस, और जब ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो इसके ऊपर इसके वाइट वाइट सी यहाँ पे बन जाती हैं, जैसे रुई होती है ना, रुई की तरह इसके ऊपर जो है वो एक सफ़ेद छोटी छोटी चीज़ें बन जाती हैं, वो बहुत खूबसूरत लगती हैं। तो वीडियो का टॉपिक हमारा यहीं तक था। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और दुआओं में याद रखिएगा, वीडियो पसंद आए आगे दोस्तों में भी शेयर करना और कमेंट्स भी करना कि हमारा कैक्टस सब दोस्तों को कैसा लगा है। अल्लाह हाफिज़।